रेडियो पाकिस्तान तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म कारकुन मिर्जा अब्बुल हसन इसानी के यम वफात के हवाले से खूसी तकरीर पेश खिदमत है मकर हैं प्रोफेसर तनवीर हुसैन सिद्दीकी पेशकश रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का कयाम दुनिया की तारीख का एक अजीम वाक़ है जब न सिर्फ़ बर सग़ीर की हज़ारों साल की तारीख़ तब्दील हुई बल्कि जग्राफिया भी बदल गया कायदाजम की रहनमाई में तहरिक पाकिस्तान ने बर के बिखरे हुए मुसलमानों को अफराज से कौम में तब्दील किया और दो कौमी नज़रिए को कामयाबी हासिल हुई तहरिक पाकिस्तान के आसमान पर जहां कायद आजम का किरदार सूरज की मानंद रोशन है वहीं कायद आजम के रुफा कार और अकाबरी ने मिलत तहरीक के आसमान पर चमकते सितारे हैं जिन्होंने कायद आजम के शाना बशाना इस अजीम जद्दहद में हिस्सा लिया और एक सीसा पिलाई दीवार की मानिंद सीना सपर रहे अकाबरी ने मिल्लत के इस गुलदस्ते में जहां ख्वाजा नाजमुद्दीन नवाब ज़ादा लियाकत अली ख़ान अब्दुल्ला हारून हुसैन शहीद सौरवर्दी नवाब इस्माइल, आए आए चंद्रीगर अमीन, मौलाना अली जौहर मौलाना शौकत अली राजा साहब महमूदाबाद और सरदार रब नश्तर का नाम काबिल है वहीं मिर्जा अबुल हसन हसफहानी का नाम और किरदार भी अपनी मिसाल आप है आपने अपनी बेलौस खिदमत और अनथक मेहनत से कायद अज़म कुर्बत हासिल की और उनके अतमाद पर पूरे उतरे मिर्जा अबुल हसन हसफहानी 23 जनवरी सन 1902 को मद्रास के एक मशहूर कारोबारी घराने में पैदा हुए जो सियासी समाजी और कारोबारी लिहाज से एक नामवर खानदान था आपने कलकत्ता कैम्ब्रिज और लंदन के मशहूर तालीमी इदारों से आला तालीम हासिल की और 1924 में बार एट ला हुए 1937 में आप ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के टिकट पर बंगाल की मजलिस कानून साज और 1946 में मरकजी मजलिस कानून साज के रुकन मंतखब हुए आप सितंबर 1947 से फरवरी उन्नीस तक अमेरिका में पाकिस्तान के पहले सफीर रहे और एक नौजायदा ममलिकत के लिए शानदार खदमत अंजाम दी इसके बाद आपने बरतानिया में बाहसीत हाई कमिश्नर पाकिस्तान अपने फरज़ अंजाम दिए उन्नीस सौ चौवन में आपको मरकज़ी काबीना में शामिल किया गया और आपने तजारत व सनत के वजीर की हैसियत से पाकिस्तान के लिए अजीम कारनामे अंजाम दिए उन्नीस सौ तिहत्तर में मिर्ज़ा अबुल हसन हसफाहानी साहब को अफग़ानिस्तान में पाकिस्तान का सफ़ीर तैनात किया गया और यहाँ भी आपने दोनों ममालिक के बेहतरीन ताल्लुक तजारती रवाबित और मुस्लिम उम्मा की बेहतरी और इतिहाद के लिए बेमिसाल किरदार अदा किया आपने कई किताबें भी तसनीफ़ और मुरतब की, जिनमें कायद अजम मेरी नज़र में और एम ए जिना असफहानी मरासलात काबिल ज़िक्र और मशहूर हैं आप कायद अज़म के नहाय करीबी रुफा और दोस्तों में शुमार होते थे और हमेशा आपने कायद अज़म के अतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश की आपने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को फाल और मजबूत बनाने में बहुत अहम किरदार अदा किया और 1945-46 के इतख की मुहिम में आपने बाहसीत इंचार्ज अपनी ज़िम्मेदारियाँ एहसन तरीके से अंजाम दीं यही वो इंतखबा थे कि जब कायद आजम ने पूरे हिंदुस्तान का तूफानी दौरा किया और तकसीम में हिंद के नारे को बुलंद किया इन इंतबात के दौरान अबुल हसन हसफहानी ने कायदाजम के तमाम दौरों के इंतज़ाम की निगरानी की और मुस्लिम लीग के पैगाम आज़ादी को हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुँचाने के लिए जल से जुलूसों का अहतमाम किया आपकी शानदार इंतबी मुहिम के नतीजे में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने सूबाई इंतबात में नबे फ़ीसद और मरकजी असम्बली में सौ फीसद कामयाबी हासिल की और इसी नतज ने हसूल पाकिस्तान का रास्ता हमवार किया आपने कायद अजम की ख्वाहिश पर अंग्रेजी अखबार डॉन का इजरा किया जिससे आपके आला तालीम याफ़्ता होने और माशरे में बहुत बुलंद मकाम शख्सियत होने की दलील मिलती है तहरीक पाकिस्तान में आप अक्सर मौाकों पर कायद अज़म के साथ साथ रहे कायद अज़म के बारे में आपकी राय थी कि कायद अज़म किसी पर या तो सौ फ़ीसद अतमद करते या बिल्कुल नहीं अगर उन्हें ज़रा भी किसी पर शक हो जाता तो वो एहतियात बरतने लगते इसी तरह आपका मुशाह था कि कायद अजम ने कभी भी मुस्लिम लीग के मुतल इदारों की इजाज़त के बगैर किसी अहम मामले पर अपना फैसला नहीं दिया जिससे हमें कायद अजम के जमहूरीत और जमहूरी कदरों पर अमल पैरा होने का सबक मिलता है मिर्जा अबुल हसन हसवहानी ने हयात कायद में और उनके इंतकाल के बाद एक अजीम जिंदगी गुजारी आपके शबरोज़ पाकिस्तान की तमीर तरक्की और, और खुशहाली के लिए वक्फ रहे आपने अवामी और सरकारी हैसियत में हमेशा पाकिस्तान के एक सच्चे सिपाही की हैसियत से काम किया कायद अजम के ये अजीम साथी अट्ठारह नवम्बर उन्नीस सौ इक्यासी को इस दुनिया से रुखसत हुए और आपको कराची के फौजी कब्रस्तान में खाक किया गया सामीन अभी आप तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म रुकन मिर्जा अब्बुल हसन इस्फहानी के योम वफात के हवाले से खूसी तकरीर सुन रहे थे मकर थे प्रोफेसर तनवीर हुसैन सिद्दीकी प्रोड्यूसर मोहम्मद आरिफ, पेशकश रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद